एवरीवन, आई एम विकास शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस डिक्शन। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन, रामायण का प्राचीन नाम, रामायण का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए, रामायण का प्राचीन नाम है चतुर्विशर्ति संहिता। चतुर्विशर्ति संहिता रामायण का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्राचीन नाम, महाभारत का भी एक अति प्राचीन नाम है, यह है जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता निवास करते हैं। ये जो लाइन है ये कौन से प्राचीन ग्रंथ से ली गई है? तो इसका आंसर है मनुस्मृति। हाँ तो गाइस देखिए, दुनिया का सबसे छोटा फूल, दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? यह है वोल्फिया। इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वोल्फिया। नेक्स्ट देखिए, मछलियों का अध्ययन, यदि हम मछलियों की पढ़ाई करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक थियोलॉजी। ये जीके का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक थियोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, यह मुगल बादशाह सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, यानी कि इस मुगल बादशाह ने अगर संडे को जो कपड़े पहने हैं, तो अगले संडे तक उस रंग के कपड़े नहीं पहनेगा, हर दिन अलग कपड़े पहनता था सप्ताह में। तो ये मुगल बादशाह कौन था? ये मुगल बादशाह था हुमायूं। हाँ तो गाइस देखिए, दांत का मंदिर, ये दांत का मंदिर कहाँ है? तो दांत का मंदिर नाम से एक बहुत फेमस मंदिर है, ये है कैंडी नामक स्थान पर। ये कैंडी नामक जो स्थान है, यह है श्रीलंका में। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के सरकारी निवास व्हाइट हाउस का दूसरा नाम, तो व्हाइट हाउस तो वैसे ही बहुत फेमस है और सभी जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ओवल ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, कोयला खनन उद्योगों, यानी कि कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं, उनको अक्सर ये रोग हो जाता है, इस रोग में फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो ये रोग कौन सा है? तो देखिए, ये रोग है न्यूमोकोनियोसिस। इसका हिंदी नाम देखिए, फुफ्फुस धूलिमयता, इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस धूलिमयता, क्योंकि लंग्स को हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे जहरीला पौधा कौन सा है? इसका नाम है हेमलॉक। दोस्तों, यदि आपको चाहिए नॉलेज का खजाना, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाना। और हाँ, एक बात और, हमारा एक चैनल और है इंग्लिश विद विकास सर नाम से, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो गाइस उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस थैंक यू।